यार आज को एक नया वीडियो के साथ। तो आज के वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं उचियास का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जो कि फाइट के अंदर उन्हें एक अपर फिट देती है। बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ सुसानो की। सुसानो के बारे में जाने तो सुसानो एक चाक्र से बना ह्यूमनॉइड बॉम्ब होता है। तो आज हम रैंक करने वाले टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो यूजर्स को, वीडियो के एंड तक जरूर से देखना। और सुसानो एक्टिव करने के लिए इटरनल मांगी की शाइंगन चाहिए होता है, पर मांगी की शाइंगन तो सिर्फ कुछ लोगों ने एक्टिवेट किया है, जैसे कि सास के उचिहा और मादरा उचिहा। बट टेंशन मत लो, कुछ ऐसे भी बंदे है जो की सिर्फ अपने मांगी की शाइंगन से ही सुसानो को एक्टिवेट कर लिया था। और एक ऐसा बंदा भी है जो की उचिहा ना होकर भी सुसानो को एक्टिवेट कर चुका है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। और सुसानो अपने यूजर्स के मतलब कि नेचर को कलर्स में रिप्रेजेंट करता है। अब बात कर लेते हैं सुसानो के बारे में। हमें बताया जाता है उसके बैक स्टोरी में, जहां पर डांजो उसके दूसरे एक्ट लेने के लिए उसके पीछे पड़ा होता है, और वो उसी टाइम पर अपने एक ही मांगे की शारिगन आग से ही सुसानो को एक्टिवेट कर लेता है। और एक एक्ट में डांजो ने ही ले लिया था। सिंसुई का सुसानो फुल्ली ग्रीन कलर है जो की उसके प्योर हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। उसका नाम सुसानो है थोड़ा सा अलग है। उसके सुसानो का एक हैंड पे है एक ड्रिल मशीन और एक हैंड पे एक हैमर। एनिमे के अंदर उसका अनकम्प्लीट सुसानो ही दिखाया गया है, फुल ट्रू सुसानो को दिखाया नहीं गया। बट नारुतो का गेम के अंदर उसके ट्रू सुसानो को हमें दिखाया गया था। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो कितना बवाल दिखता है क्या सुसानो। और हाँ, यहाँ पर मैं पूरा का पूरा मेरे ओपिनियन देने वाला हूँ, अगर आपके ओपिनियन अलग है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। उसके बाद नंबर 6 वाला कैरेक्टर इटाची उचिहा। भाई गाली लिखने से पहले पूरा वीडियो को देख लो। यार इटाची को अपने मांगी की शारिगन मिला था शिनसुई के मारने के बाद, जब उसने अपने आंखों के सामने शिनसुई को मारने देखा और उसने शिनसुई को बचा भी नहीं पाया, इसलिए इस रिग्रेट के वजह से उसका मांगी की शारिगन एक्टिवेट हो गया और वो मतलब कि सुसानो का पावर को ले लिया। उसने एनिमे के अंदर सिर्फ अपने अनकम्प्लीट सुसानो को ही एक्टिवेट किया था सास्के के सामने। बस इटरनल मांगी की शारिगन ना होने की वजह से अपने फुल सुसानो को एक्टिवेट नहीं कर सकता, मतलब कि टोटल सुसानो को एक्टिवेट नहीं कर सकता। बट टेंशन की लेते हो ना, का गेम है ना, उसके अंदर इटाची का फुल सुसानो मतलब ट्रू सुसानो को दिखाया गया है और वो सुसानो में बवाल दिखता है। हम बात करते हैं उसके सुसानो के पावर्स के बारे में। तो उसके पास है अपना सुसानो का मतलब अनकम्प्लीट सुसानो के अंदर है याटा मिरर, जो कि भाई एक बहुत ही अच्छा खासा डिफेंस टेक्निक है। और ये याटा मिरर किसी भी मतलब जुत्सु या फिर किसी भी टाइप के चाक्रा निसर्ग को मतलब अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है। उसके बाद है तोत्सु का ब्लेड, जो कि किसी के बंदे को मतलब कि एकदम के लिए गेंजुत्सु में डाल सकता है, जो कि उसने मतलब कि ओरोचिमारु के सामने किया था पर ओरोचिमारु बच गया। बट उससे भी बहुत ज्यादा ताकतवर सुसानो यूजर से, इसलिए उसको इस रैंकिंग पे रखा गया है। आपके रैंकिंग के मुताबिक आप मतलब कि इटाची को किस रैंकिंग पे रखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो नंबर 5 तो थे काकाशी हटाके, जो की एक नॉन उचिया होकर भी एक ट्रू सुसानो को एक्टिवेट किया था, और उसे सब लोग कॉपी निंजा काकाशी के नाम से भी जानते है, क्योंकि वो एक नॉन उचिया है और उसका मतलब की जो शारिगन है वो उसे मिला था ओबिटो के पास से। पर अभी तक ये नहीं बताया गया काकाशी का मांगी की शारिगन कैसे एक्टिवेट किया, मतलब कि मांगी की शारिगन कैसे एक्टिवेट होता है। हमें मतलब कि मेरे थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब काकाशी ने रिन के दिल को छुआ था, मतलब कि उसके आर पर हाथ घुसा दिया था, अभी ओबिटो भी वहाँ पर मौजूद था। और ओबिटो एक उचिया है और हमें तो पता ही होगा मतलब कि ग्रेट सेक्रीफाइस से ही मांगी की शारिगन एक्टिवेट होती है। तो जब ओबिटो ने अपने प्यार को बढ़ते हुए देखा, अभी ओबिटो का मांगी की शारिगन के साथ साथ काकाशी का भी मांगी की शारिगन एक्टिवेट हो गया था। सुसानो एक्टिवेट कर पाया बिकॉज उसके अंदर उस टाइम पर काकाशी मतलब ओबिटो का चाक्रा था, और ओबिटो की वजह से ही उसने अपना सुसानो को एक्टिवेट कर पाया था। और उसका सुसानो पूरा ब्लू कलर का है, जो कि उसका प्योर हार्ट को दर्शाता है। पर यहाँ पर एक और डाउट है, काकाशी के पास तो सिर्फ दो ही मांगे की शारिगन थी, और यहाँ पर माना जाता है कि ओबिटो जब टेंटेल का जिंजुरी की बना था तब उसके बाद से जब तक सिक्स पाथ की चाक्रा आ चुका था, और सेम शक्त काकाशी के पास भी आ चुका था जब ओबिटो ने उसे अपना चाक्रा दिया था, इसलिए उसने अपने फुल ट्रू सुसानो को एक्टिवेट कर पाया था। बात करते हैं काकाशी के शारिगन मतलब कि सुसानो के पावर्स के बारे में, जो कि भाई बवाल है। उसका दो टाइप के यूज कर सकते हैं, एक है सॉर्ड और कामुई शुरिकन। उसका सबसे पावरफुल अटैक है उसका कामुई शुरिकन, जो कि अगर किसी को लग गया तो उसे कामुई डायमेंशन में भेज देता है। और यह तो हमें पता ही होगा कामुई डायमेंशन में जो एक बार फंस गया वो कभी भी निकल नहीं सकता यूजर्स के बिना। आप कुछ ज्ञानी लोग बोलेंगे डॉच कर लेंगे, पर तुम शुरिकन को तो डॉच कर लोगे पर उसका रेंज को नहीं, क्योंकि इसका रेंज भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर इस पे रेंज के आते ही आप लोग कामुई शुरिकन के अटैक में पड़ जाओगे। उसके बाद 4th नंबर पे आती है हमारा
महादरा उचीहा। उसने अपने मांगी की शारिंगन को टीनेजर में ही एक्टिवेट कर लिया था क्योंकि वो जन्म लिया था वार पीरियड के टाइम पर, जहाँ पर उसने बहुत सारे सेक्रीफाइस दिया है अपने भाई की तरफ से, जिसकी वजह से उसके पास मांगी की शारिंगन बहुत ही जल्दी आ गया। और यहाँ पर हमें उसका इटरनल मांगी की शारिंगन भी दिखाया जाता है, जब उसका आई ब्लाइंड हो जाता है और वह अपने भाई का मांगी को शारिंगन उसके अंदर लगाता है, मतलब उसके आंख के अंदर, जहाँ पर इटरनल मांगी की शारिंगन को एक्टिवेट कर लेता है। और यहाँ पर वो अपने ट्रू सुसानो को भी एक्टिवेट कर पा रहा था। उसका सुसानो प्योर नेवी ब्लू कलर का है जो कि उसके हेट्रेट को दर्शाता है। महादरा का सुसानो सबसे ज्यादा यूनिक है, जहाँ पर उसका सुसानो के 3 या फिर 4 हाथ मतलब के मुंह है और 6 के 6 मतलब नहीं 4 हाथ है, जहाँ पर उसके चारों हाथों में एक एक शॉट थी, जिस शॉट के एक ही स्विंग से पूरा का पूरा माउंटेन दो टुकड़ों में कट जाता है। और उसने अपना अनकम्प्लीट सुसानो के मदद से पूरा चारों कागज को लेटा दिया था। और तो वो एक एक लौता बंदा है जो कि अपने सुसानो का भी क्लोन्स बना सकता है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड उचीहा के बारे में, जो कि फादर ऑफ उचीहा इंद्रा उतुत्सुकी। इसका सुसानो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और उसके सुसानो के बारे में हमें ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। और तो और उसका सुसानो भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है और उसका सुसानो का कलर है डार्क पर्पल, जो कि अपने हेट्रेट को समझाता है। और उसने विदाउट जनरल मांगी की शारिंगन के सुसानो को ट्रू फॉर्म में एक्टिवेट किया था, जो कि उसके पापा जी होगुरुमुखा चक्र की वजह से था। नो डाउट होगुरुमुखा बच्चा है, मतलब कि सेज ऑफ द सिक्स पथ का बच्चा है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। जिसके बाद नंबर 2 पे आती है सासुके उचीहा, जिसको मैं सबसे ज्यादा हेट करता हूँ नारुतो एनीमे के अंदर। वो जब अपने भाई के मांगी की शारिंगन को अपने आंखों में इम्प्लांट करती है, तब वो अपने इटरनल मांगी की शारिंगन को एक्टिवेट करती है एंड ही गेन टू सुसानो पावर। मुझे जितना पता है सासुके ही एक ऐसा लौता बंदा है जिसने अपने सुसानो के फुल पोटेंशियल को यूज किया है। वो स्केलेटन सुसानो हो जाए या फिर आर्मर सुसानो हो जाए या फिर इनकम्प्लीट सुसानो हो जाए, वो अपने सभी के सभी मतलब सुसानो को स्टेज को फुल पावर पे यूज किया है। और उसने सिक्स पथ के पावर को लेकर इंद्र सुसानो को भी एक्टिवेट किया था, इसलिए उसे हमने 2 नंबर पे रखा है। तो नंबर 1 वाले को जानने से पहले इस वीडियो को प्लीज से प्लीज भाई लाइक कर देना और तो और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। अगर आप लोगों ने टॉप 10 शाइनिंग यूजर्स का वाला वीडियो नहीं देखा तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप लोग वहां से देख लेना। नंबर 1 पे आती है फादर ऑफ उचीहा हागुरुमो उतोत्सुकी। हाँ, हमारे हागुरुमो चाचा भी सुसानो को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसका सुसानो लाइट ब्लू कलर का है और उसका सुसानो बहुत ही ज्यादा डिमोनिक दिखता है और उसका सुसानो टेंटेल जितना लंबा है। उसका सुसानो इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसने टेंटेल के वॉर्म को भी एक ही हाथ से मतलब कि एक आसानी के तिकली की तरह रोक दिया था। तो गाइस इसके बारे में और हमें कुछ भी नहीं पता, इसलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।